आज हम लोग काजीरंगा में लास्ट डे है। वेस्टर्न जोन जो था वो तो खुला हुआ था, आज ईस्टर्न जोन भी खुल गया है। ईस्टर्न जोन इज मोस्टली फेमस फॉर बार्डिंग, बट उसके साथ साथ वहाँ पे एलिफेंट्स भी दिख जाते हैं। तो चलिए, वी आर ऑलमोस्ट रेडी, अब निकलते हैं। बस यही है, गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे। हमारा जो बस था जो हमें काजीरंगा से गुवाहाटी तक ले जा रहा था, वो वॉल्वो बस था, उसको हैंडबेल्ट टूट गया है तो वो कैंसिल हो गया है। अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं है और हमें कोई एक दूसरी बस को बुक करना है। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कहानी ये है कि हम लोग अभी ईस्टर्न जोन में आए हैं। ईस्टर्न जोन आज ही खुला है। आई थिंक हम लोग अकेले ही हैं यहाँ पे, ज़्यादा कोई लोग नहीं है अभी। तो ये एक तरीके से बेहतर है क्योंकि ज़्यादा लोग अगर आ जाते हैं ना तो जानवर भाग जाते हैं। यहाँ आपको गाड़ी के पेपर्स और एंट्री पेपर्स जो हैं वो दिखाना पड़ता है। ये एक्चुअली पैराकिट्स का घर है, नेस्ट है यहाँ पे। दिस इज अ हेवन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। और एक एक लेयर पे, पहले यहाँ दिस लेयर पे बफेलोज हैं इस एरिया में, और यहाँ पे पूरा डियर है इस रेंज में। ग्रे हेडेड फिशिंग ईगल। आज लक इतना फेवर नहीं कर रहा है हमें, पहले तो बस कैंसिल हो गई, फिर कैमरा का चार्जेस बहुत ज़्यादा ले लिए इन्होंने मुझसे, और फिर आज मतलब साइटिंग भी बहुत ही मतलब खास कुछ नहीं हो रहा है। बट ठीक है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अलग है बाकी दो अलग अलग जो जोन है वहाँ से। ये राइनो अभी भागा था एक्चुअली, ये वाला राइनो भागा इसलिए क्योंकि यहाँ से और एक राइनो आ गया था। मेरा जो स्टील कैमरा का जूम लेंस था थोड़ा टूट गया है, मास्किंग टेप से लगा के फिर ही काम चलाना होगा। रोज जाके दुकान से बढ़िया ब्रेकफास्ट कर लिया है हम लोगों ने, अभी निकलना है। गाड़ी का टिकट भी चेंज करना है मुझे, और क्योंकि नया टिकट लेना है। हम आ गए हैं बस स्टैंड के यहाँ, यहाँ से वॉल्वो लेंगे और सीधा काजीरंगा से गुवाहाटी। इसमें चढ़ गए हैं, बस आ गई थी तो एकदम टाइम पे थी, तो आई होप कि टाइम से पहुँच भी जाएंगे। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि गुवाहाटी का जो रोप वे हुआ है नया वाला, जो साउथ गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से कनेक्ट करता है, उसको एंजॉय करने के लिए, क्योंकि मुझे जो पता चला था कि उससे सनसेट बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं आप, उसी का ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन अगर इस तरफ से वहाँ उस तरफ चले गए, मतलब नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ चले गए और फिर वापस नहीं आ पाए तो फिर झमेला है, क्योंकि देन इट इज़ अ 22 किलोमीटर काइंड ऑफ अ डिस्टेंस दैट वी हैव टू ट्रैवल। टिकट काउंटर है, लोग वेट कर रहे हैं। टिकट है हमारे लिए 100 रुपये की टिकट है। व्हाट अ सनसेट यार। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, मतलब जो सनसेट दिख रहा था वो काफ़ी मतलब माइंड ब्लोइंग था। अभी नॉर्थ गुवाहाटी से हम लोगों को वापस जाना है साउथ गुवाहाटी, और उसके लिए मतलब बहुत ही नेक एंड नेक कहानी हो गई है कि जो लास्ट रोपवे चलेगा 4 बजे का, उसी में हमें वापस जाना है। आज के इस मसाला चाय के साथ आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म।
अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं रिमो आउट। पता नहीं मुझे ऐसे बातें करते हुए नेशनल ज्योग्राफी जैसा फील आ रहा है अभी।